फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम सर्विस एजेंट के बारे में। कैसे आप पेटीएम सर्विस एजेंट बन सकते हैं और पेटीएम सर्विस एजेंट बन के महीने के 20-30-50 हजार रुपए तक इजीली आप कमा सकते हो। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, एक ये बहुत जेन्युइन तरीका, इससे आप रियल में काफी सारा पैसा कमा सकते हो बहुत कम समय में, कम एफर्ट लगाने के बारे में। आज के इस नए वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कैसे आप पेटीएम के सर्विस एजेंट बन सकते हो, क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना आपको टाइम लगता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे आपको अप्लाई करना होता है। पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी यहां से मिल सके। एंड अगर आपको ये मेरा बताया गया वीडियो पसंद आया तो अपनी तरफ से इसे लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी से अगर किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कमेंट, आपको रिप्लाई भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, पेटीएम सर्विस एजेंट होता क्या है, यानी कि आपको नाम से ही पता लग रहा है पेटीएम की सर्विस को बेचने के लिए एजेंट। जैसे एलआईसी एजेंट होता है तो वो क्या करता है, एलआईसी के प्रोडक्ट को बेचता है और साथ में कुछ ना कुछ कमीशन यहाँ पे कमाता है। बहुत सारे आज के टाइम पे यही प्रोसेस चल रहा है कि आप दूसरों की सर्विस को या दूसरों के प्रोडक्ट को बेचो और उसके बदले में कुछ ना कुछ कमीशन ले लो और पैसे कमाते रहो। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन में नहीं चाहिए। आप इसे पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, जैसे भी आपके साथ टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और आप काफी सारे पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं। देखिए, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट या ब्लॉग बोल सकते हैं उस पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। देखिए, पेटीएम जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको पैसे कमाने की, वो कैसे कमाएंगे आप यहाँ पर। देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पेटीएम की कुछ सर्विसेज होती है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो स्क्रीन आपको दिख जाएगी सारी चीजें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, चाहे तो आप वहां जाकर के भी आप इसे पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना होता है, पेटीएम के साथ आप आज की आज से पैसे कमाना सीख सकते हैं। कैसे पैसे कमाना सीख सकते हैं, क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर आप चाहे तो आपको पेटीएम का एक सर्विस एजेंट बना दिया जाएगा। अब सर्विस एजेंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सेल पेटीएम प्रोडक्ट्स। अब पेटीएम प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं, आप चाहे पेटीएम का बिल पेमेंट करवाओ, चाहे रिचार्ज एयर टिकट, मतलब जो फ्लाइट टिकट हो गया, या आपको पेटीएम की कोई जो बहुत सारी सर्विसेज है उनमें से कोई सी भी सर्विसेज को आप बिकवाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कमीशन दिया जाता है। आप चाहे वो पीओएस मशीन लगवा दीजिए या आप साउंड बॉक्स लगवा दीजिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको आप सेल करवाओगे तो आपको काफी सारा कमीशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि आप पेटीएम के लोगों को मर्चेंट अकाउंट बनवाते हैं तो उसके बदले ऑल इन वन वाला जो क्यूआर कोड होता है वो आप किसी भी शॉप पे लगवा दीजिए। आपको जब पेटीएम के सर्विस एजेंट बन जाएंगे उसके बाद अगर आप ये काम करते हैं तो हर एक चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ एक कमीशन दिया जाता है। अभी बात करते हैं, यहाँ पे पेटीएम को ऑल इन वन क्यूआर कोड सेल करवा सकते हो, साउंड बॉक्स यहाँ पे देख रहे हो आप स्क्रीन में, साउंड बॉक्स लगा करा सकते हो यहाँ। इसके बाद में पेटीएम का ईडीसी कार्ड मशीन, जो एक स्वैप वाली कार्ड मशीन होती है एक तरह से, उस तरह की वो मशीन होती है, वो आप यहाँ पे लगवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करें तो पेटीएम की कस्टमर सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज, आप वो अप्लाई करवा सकते हो। मतलब जैसे आप मूवी टिकट बुक करवाओगे या पोस्टपेड का बिल जमा कराओगे या केबल टीवी या ट्रेन, लैंडलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, बस या डीटीएच या फ्लाइट तक किसी भी तरह की आप सर्विसेज को सेल करते हो, बिकवाते हो, प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हो तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह दिया जाता है। अभी यहाँ पे बात करते हैं अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कितना टाइम लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहला यहाँ पे टर्म्स आता है कि आप 18 प्लस होने चाहिए, वो सभी काम को करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि 18 प्लस का आपके पास होना चाहिए और आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए जिससे कि आप इस बिजनेस को रन कर पाए। आप इसमें सर्विस एजेंट बनेंगे तो आपके पास एटलीस्ट एक एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए जिससे कि आप सारे काम यहाँ पे इजिली कर सके। एंड यू आपके पास एक क्या थे, वो सीधी सी बात है, आप काम कब कर पाओगे, मैं वीडियो कब बना पा रहा हूं, जब मुझे थोड़ी सी कैमरे के सामने बोलने की स्किल है तब जाकर के मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं। सेम उसी तरीके से आपको भी ये करना है। आपको अगर बोलने की स्किल है, किसी दुकानदार को समझाने की स्किल है तो इजीली वो कन्विंस हो जाएगा और उसके बदले आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाएगा अगर वो कन्वर्ट हो गया तो। यानी कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ही जरूरी है। और आपको यहाँ पे साइन अप फॉर वेबिनार, अब साइन अप फॉर वेबिनार क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे अभी थोड़ा सा वीडियो में लेटर बताने वाला हूँ, आगे चल के बताऊंगा क्या होता है साइन अप विद वेबिनार। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको बेसिकली साइन अप वेबिनार का मतलब क्या है वो भी अभी बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप बात करो तो पूरा आपको टाइम वगैरह दिया गया है, एवरी ट्यूजडे, मतलब आपको जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो पेमेंट है वो किस तरीके से आपसे लिया जाएगा, सबसे पहले आपको 1000 रुपए जब भी आप इसमें ज्वाइन होते हो तो आपको 1000 रुपए डिपॉजिट कराना पड़ता है। एंड उसके साथ में आप जो भी अर्निंग करते हो फर्स्ट मंथ की,
यानी पहले महीने में आपकी जो भी अर्निंग होगी वो भी पेटीएम की तरफ, पेटीएम के पास एज ए सिक्योरिटी रख ली जाती है, और आपके जो 1,000 रुपए लिए हैं वो भी आपके सिक्योरिटी के हैं। कल को आप 1, 2, 4, 6 महीने बाद जब भी आप चाहते हैं कि नहीं, अब मैं पेटीएम का सर्विस एजेंट नहीं बनना चाहता, मुझे बंद करना है, तो आपको जो वो पैसे लिए हैं आपसे सिक्योरिटी के पर्पज से, वो पैसे आपको वापस से रिटर्न कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप आज के आज इसमें पेटीएम का सर्विस एजेंट अगर बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको अप्लाई वाले बटन पे टैप कर देना होगा। जैसे ही आप पेटीएम के यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे टैप कर दोगे, तो आपसे देखिए यहाँ पे बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, उसके बाद मेल फीमेल जो भी जेंडर आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, स्टेट को सेलेक्ट कीजिएगा, सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, पिन कोड सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप पिन कोड ये जितनी भी डिटेल डालेंगे बिल्कुल वैलिड और बिल्कुल सही डालिएगा, गलत मत डालिएगा, अदरवाइज आपका पेटीएम सर्विस नहीं बन पाओगे। ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आप देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एक तो आपके एजुकेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए कोई भी, उसके अलावा आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये तीन चीजें मैंडेटरी है, आपको तीन चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेगी तभी आपको यहाँ पे पेटीएम का सर्विस एजेंट बनाया जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। अब यहाँ पे पूछा लिखा है चूज वेबिनार सेशन, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे चूज वेबिनार सेशन, चूज वेबिनार सेशन का मतलब क्या है कि आपको एक लाइव ऑनलाइन क्लास दी जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको कस्टमर से बात करनी है, दुकानदार से बात करनी है, किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी, किस तरीके से समझाना है, एक तरीके से आपकी जो लर्निंग क्लास है कि पेटीएम सर्विस एजेंट बनने के बाद आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए वो आपको उस ऑनलाइन सेशन के अंदर सिखाया जाएगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन से वेबिनार में आप ज्वाइन करना चाहते हो। जैसे आप ये सारी डिटेल वगैरह भर के सबमिट वाले बटन पे सबमिट कर देते हो, उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा पेटीएम की तरफ से, और जैसे ही आपको पेटीएम की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा फिर आपसे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपसे मांगे जाएंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल कर देनी होगी। जैसे ही आप सब चीजें फिल कर देते हो और आप कुछ ही टाइम में 24 से 48 घंटे में पेटीएम की तरफ से आपको ऑफिशियली मेल आ जाएगा, यू आर द पेटीएम सर्विस एजेंट। उसके बाद आप जो 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 आपको बताया किस तरीके से बात करनी, क्या क्या आपको कमीशन होगा, वो सारी चीजें आपको डिटेल में मेल कर दी जाएगी, और आप इस तरीके से महीने के 1,000 रुपए इजीली कमा पाओगे बिना किसी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के। केवल 1,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में लगेगा, और एक मंथ में जो अर्निंग करोगे वो आपका एज ए सिक्योरिटी, दोनों चीजें सिक्योरिटी के रूप में आपकी जमा रहेगी, उसके बाद आप काफी सारे पैसे पर मंथ इजीली कमा सकते हो। तो मेरे हिसाब से अच्छा मौका है, आप अगर पार्ट टाइम में हो या एक स्टूडेंट हो या अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो उसके साथ में आप इस बिजनेस को कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो में जो जानकारी दी जरूर से आपको पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद।